सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अस्सलामुअलैकुम, जी आयनु बखैर रागले एंड खुशामदी माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली। आप सुन रहे हैं नई सुबह की जानिब से क्वालिटी टाइम और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे फायजा मुगल। इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले जहाँ जहाँ भी होंगे मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। लवली पीपल ऑफ द लवली कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। सबसे पहले तो आपको नई सुबह की जानिब से डिफेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो और आपके टाइम को और क्वालिटी टाइम और वैल्यू एबल बनाने के लिए हम अपने प्रोग्राम में मधु करते हैं मिस अक्सर ज्यादा को, क्योंकि मेरे साथ साथ आप लोग भी उन्हें मिस कर रहे होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम अक्सर। वालेकुम अस्सलाम फायजा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम लिसनर्स भी खैरियत से होंगे और आपको मेरी जानिब से और मेरी नई सुबह की टीम की जानिब से डिफेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। और आज दिन ही ऐसा है कि इस दिन के हवाले से अगर कोई बात की जाए तो वो कम है, क्योंकि जिंदा कौमें वही होती हैं जो कि अपने हीरोज को याद रखती हैं। हीरोज को जो है वो हमेशा याद रखा जाता है, लेकिन जब उन्होंने किसी खास दिन कोई रोल प्ले किया होता है तो वो उन खास दिनों पे उनको जो है वो याद किया जाता है। तो आज इस दिन पर भी हमारी कोशिश है कि आपको हम जितनी हमसे हो सकती है उतनी मालूमात आपको फराहम कर सकें। और इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने डॉक्टर यूसुफ मुगल साहब को बुलाया है और उन्होंने जो है वो उनको बहुत अच्छा लगा था शो करके आप लोगों के साथ, आप लोग से मालूमात शेयर करके, तो इसलिए आज भी वो अपने इंटरेस्ट के साथ और अपनी खुशी के साथ आए हैं। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज भी अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और हमारे साथ फिर से आज वो शिरकत कर रहे हैं। तो मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, और सबसे पहले तो पिछले प्रोग्राम की पसंदीदगी के लिए और हमारे लिसनर्स की दिलचस्पी के लिए बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो पसंद किया और मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ शोकर से। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे साथ दोबारा शिरकत कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बहुत बिजी टाइम होता है आप टीचर्स के लिए या जो हम लोग वर्क कर रहे हैं हम सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है, लेकिन हम हमारी कोशिश होती है कि हम जो है अपने लिसनर्स तक मालूमात पहुंचा सकें, उनको एंटरटेन कर सकें। तो फायजा आप मुझे बताइए कि आज के दिन के हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या शेयर करना चाहती हैं हमारे लिसनर्स के साथ? जी तो अक्सा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, आज का दिन ही इतना एनर्जेटिक है कि देखिए ना तारीख में ऐसी हस्तियां जन्म लेती हैं जो तकदीर का धारा ही बदल के रख देती हैं। और हमारा पाकिस्तान इस लिहाज से भी काबिले फख्र है कि उसमें इतने सारे इतने ज्यादा हीरोज और शख्सियात पैदा हुई हैं कि जिन्होंने हमारी तारीख और हमारी तकदीर का धारा अपने जज्बे से, सरफरोशी से, हिम्मत से, इस्तकामत से, यकीन से और तंजीम से बदल के रख दिया है। जैसा कि 6 सितंबर के उस दिन जिस दिन दुश्मन ने बगैर कुछ सोचे समझे हमारी पाकिस्तानी फौज को ललकारा और लाहौर पर हमला कर, लेकिन हमारी पाकिस्तानी फौज बहरी, बरी और फजाई वो सोए हुए थोड़ी थे जो कि अपनी सरफरोशी से अपने से डबल दुश्मन का, अपने से दो गुना दुश्मन का मुकाबला ना कर सकते। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके अपने से दुगने दुश्मन का मुकाबला किया और उसके दांत खट्टे कर दिए और फतह और नुसरत और कामयाबी उनका मुकद्दर हुई। तो जी जनाब, इसी सिलसिले की अगली कड़ी को जोड़ते हुए हम सर से पूछेंगे कि सर 6 सितंबर 1965 को आखिर हुआ क्या था और ये जंग क्यों हुई?
जी बहुत शुक्रिया फायजा। 6 सितंबर 1965 की जंग जो है वो तारीख में हर लिहाज से याद रखी जाएगी। इसकी वजह ये है कि असल में ये इस जंग को इस पे करने से पहले हम ये देखेंगे कि 1962 में चाइना से भारत को शिकस्त हुई थी, तो उसकी वजह से भारत काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी था और उसका बदला लेने के लिए भी इनफैक्ट उसका ये प्रोग्राम था कि किसी ना किसी तरीके से वो पाकिस्तान पे जो है वो हमला करे। और जो मेन इवेंट था वो ये था कि कश्मीर हमारा जो कि शाहरा गए, हमारी कायदे आज़म ने भी पाकिस्तान की शाहरा करार दिया था कश्मीर को, तो उसकी वजह से भी वो भी एक रूट कॉज थी इस 1965 की जंग की। सर तो इस जंग पे दुश्मनों ने आखिर सोचा क्या था कि वो हमारे दाम खट्टे कर देंगे या तो फिर हमसे वो कश्मीर को वापस ले जाएंगे? देखिए उनका मकसद ये था कि एक तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि चाइना से शिकस्त हुई थी भारत को, तो एक तो वो थोड़ी सी अपनी आवाम में अपने आप को थोड़ा सा पॉपुलर करने के लिए ये कोशिश कर रहे थे कि वो शिकस्त का जो है वो किसी और तरीके से बदला लिया जाए या पाकिस्तान से बदला लिया जाए। दूसरा कश्मीर की वापसी का तो जाहिर बात है जो थोड़ा बहुत हमने जो हासिल किया था जो आज़ाद कश्मीर है वो ठीक है, उनका एक टास्क था, लेकिन सबसे ज्यादा उनके इसके पीछे जो मकसद था वो यही था कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी उस खिफत को उस गलती को जो है वो किसी तरीके से मिटाएं जो कि चाइना की शिकस्त की वजह से जो है वो लोग उनके ज्यादा जो है वो बातें कर रहे हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये जंग तो हुई ठीक है और आपने इसको बहुत अच्छे से बताया, लेकिन ये बताया कि इस जंग में जैसे कि हमने देखा कि अफवाज ने हमारे मुल्क को बचाया, तो उनका क्या किरदार था कि उन्होंने जो है वो हमारे मुल्क की हिफाजत की? देखिए कोई भी जो मुल्क होता है उसकी अफवाज मेन रोल प्ले करती हैं क्योंकि वो सरहदों की महाफिज होती हैं, और जब आपकी फौज आपके सरहदों की ठीक तरह से महाफिज होगी तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो काम का जो है वो किसी उसमें जो है वो आपको मसाइल पैदा कर सके। तो जहाँ तक फौज का ताल्लुक है तो पाकिस्तान की जो तीनों फौज थी, बर्री बहरी और हमारी जो हवाई फौज जो थी अफजाइया थी, इन सब ने अपनी अपनी जगह पे जो रोल इनको दिया गया था। हालांकि आप ये देखें कि ये जो इंडिया की फौज थी वो तकरीबन 2-3 गुना ज़्यादा बड़ी फौज थी, उनके पास हर तरह का असलहा था, हर तरह का जंगी सामान मौजूद था। हमारे पास जो सामान था उनमें से भी आधा जो है वो था जो 47 में हमें मिला था, उसमें से भी आधा काफ़ी हद तक ख़राब था, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोगों ने नहायत बहादुरी से प्रोफेशनलिज्म के साथ और एक छोटी फौज होने के बावजूद हर महाज पे हर तरह जो है वो अपने दुश्मन के दांत जो है वो उन्होंने इकट्ठे किए और ठीक ठाक मुकाबला किया। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जी तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस वॉर में जहां हमारी अफवाज ने शाना बशाना हमारे मुल्क की हिफाजत की थी, क्या इसमें अवाम का भी कुछ रोल था? क्योंकि मेरे नॉलेज में ये आया है कि अवाम भी अल्लाह अकबर के नारे से एक ही झंडे तले जमा हो गई। जी देखें जिस वक्त इंडिया ने ये इस जंग का आगाज किया था तो सुबह सुबह का वक्त था, बहुत सारे लोग अपने काम की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग अपने चूँकि किसान जो थे वो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, इसी तरह मुख्तलिफ, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि ये सूरत हाल हो गई है तो उन्होंने वो अपने तमाम काम छोड़े और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बॉर्डर की तरफ चली गई। यहाँ तक कि बताया जाता है कि उनकी ये जो 17 दिन है यानी 6 सितंबर से ले कर 23 सितंबर तक का जो दौर है, इस दौरान लाहौर में कोई चोरी किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके अलावा जो लोग जिन्होंने हर तरह से जो है वो अपने सर्विसेज देने की कोशिश की, जो नौजवान थे उन्होंने जो है वो ब्लड बगैर उसमें किसी मुश्किल के जो है वो लोगों तक पहुंचाया, फौजियों के लिए वो ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया। इसी तरह इसके अलावा हर यानी जो तबका भी आप देखें, खास तौर पे जो हमारे फनकार थे उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के जरिए बहुत सारे जंगी तराने यहाँ से चलाए, जो शायर थे उन्होंने नए नए लहू गर्म तक करने वाले जो है वो तराने लिखे, और जो हमारे गुलकार हैं जो कंपोजर्स हैं या जो म्यूजिशियंस हैं इन लोगों ने इतनी जबरदस्त धुनें बनाई कि आज भी अगर आप वो तराने सुनते हैं जंगी तराने तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो एक आपके अंदर एक जोश पैदा होता है, जज्बा पैदा हो जाता है, जुनून पैदा होता है कि हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे।
तो ये तमाम जो लोग थे, जो आम तबका जो था, इन्होंने फौज के साथ बिल्कुल शाना बशाना हर तरह की कुर्बानियां भी दी और उनको फैसिलिटेट भी किया। अच्छा सर, बहुत अच्छी मालूमात है माशाल्लाह आपके पास, और काफी जानकर खुशी होगी हमारे लिसनर्स को भी और मुझे भी, काफी चीजें पता चल रही हैं। और मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि उस वक्त लोगों में बहुत ज्यादा जज्बा था अपने मुल्क को बचाने के लिए, और जिस तरह अफवाज हमारी सरहदों की मुहाफिज है, तो इस तरीके से आवाम भी चाहती है कि हमारे मुल्क जो है हमेशा सलामत रहे और उससे किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आजकल हम देखते हैं तो लोग जो हैं वो एक दूसरे की भी परवाह, मतलब अपनी परवाह भी नहीं करते, एक दूसरे की परवाह नहीं करते, वो जो लोगों के अंदर एक जस्तजू होती है, जज्बा है, तो वो इतना कम क्यों हो गया? देखें, एक तो पाकिस्तान बनने के बाद जो टाइम था, जो इस्तेहकाम है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे वो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद उनमें से अक्सर की जो है वो डेथ हो गई। उसके बाद एक नया जज्बा 65 की वार में लोगों के अंदर पैदा हुआ, लेकिन फिर लोगों ने ये देखा, जो हमारी जो मुखालिफ कुव्वतें थी उन्होंने ये देखा कि इनको जो है वो आपस में लड़ाया जाए और ख़ास तौर पर जो है सुबाइयत की तरफ, तासुब की तरफ या इस तरफ लेके आए, ताकि ये जो लोग हैं ये अपने मामलात में पड़े रहें। और हमने देखा कि 6 साल के बाद वही पाकिस्तानी कौम जिसने बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी, 6 साल के बाद बदकिस्मती से हम अपने मशरक के हिस्से से जो है वो वो हमें हमसे अलग हो गया। तो ज़रूर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अगर ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं, अगर हमारे अंदर नेशनलिज्म, हम ये सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ ये देखें कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, वो जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि सबसे पहले पाकिस्तान, और शायद यही इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ों से बचने का, बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने का जो है वो तरीका है, कि जब हमारे अंदर नेशनलिज्म का जज्बा पैदा होगा, हम अपने मुल्क के लोगों को बर्दाश्त करेंगे, उनके साथ मिलकर चलेंगे, तो फिर हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। शिकस्त हमें तभी होगी जब हम अपनी ये तफरीक में पड़े रहेंगे, तकसीम में पड़े रहेंगे कि ये फलां मुस्लिम है, फलां कौन है, फलां के मतलब अपने अपनी तरफ से जो है वो फतवे जारी करते रहेंगे, तो यही हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। जी सर, यहाँ मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगी कि फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये इकबाल साहब ने ये जो है वो अपनी ये जवाब शिकवा में ये बात की है, तो उन ये बिल्कुल ठीक है। और जब तक हम इन चीज़ों से दूर थे तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता था, जब हम इन चीज़ों में पड़ गए हैं तो फिर जो है वो हमारे लिए, देखें आज हम हर जगह पे मुसलमानों के लिए जो है वो मुश्किल मौजूद हैं, खा कश्मीर है, फलस्तीन है, शाम है, या और मुख्तलिफ जितने भी इलाके हैं, तो वहाँ पर हम मुश्किल का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमने डिफेंस डे पर 6 सितंबर पर बैरूनी ताकतों से मुकाबला किया, लेकिन आज हमें उससे ज़्यादा, उससे दुगनी ताकत इंटरनल पे करने की ज़रूरत है, तो हमें क्या करना चाहिए? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना जी, इसमें इससे बचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि हमारे अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी, जिसको आप कह सकते हैं नेशनलिज्म जो है, पैट्रियोटिज्म, वो हमारे अंदर होना चाहिए। जब वो होगा तो फिर कोई किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होगी। तो देखें 65 में सबसे प्लस पॉइंट यही था कि जब इन लोगों ने हमला किया था, इंडिया ने हम पे, तो कोई किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, सब लोग इस तरह मुकाबला कर रहे थे कि जैसे एक जान है, कोई किसी के अंदर कोई तफरीक नाम की चीज नहीं थी। तो वो जज्बा जो है उसको दोबारा जगाने की जरूरत है, और ये जो हमारी अगली जो जनरेशन है इसके अंदर अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कि उस वक्त लोगों ने कितनी बहादुरी से, कितनी दिलेरी से, और एक मुख्तसर फौज होने के बावजूद हमने जो है वो इस अपने से 2 गुना बड़ी फौज का मुकाबला किया। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे भी ज्यादा अच्छा काम मतलब कर सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं सुपर पावर है। तो जब आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर हमारे जज्बे, हमारी उमंगें, हर चीज़ जो है वो जमा होनी चाहिए, और जब हम इनका मुकाबला इसी तरह ही हो सकता है कि अपने अंदर हम नेशनलिज्म या हुब्बुल वतनी जो है वो पैदा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि इस जंग में कोई अहम वाकयात या कोई मौजज़ात अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें।
जी वैसे तो इसमें बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे मौजूदात हैं जो लोग जिन लोगों ने इस जंग में बाकायदा शिरकत की है उनके अगर आप उनकी स्टोरी सुने तो वो ऐसी लाजवाब हैं कि आप सुन के जो है वो हैरान रह जाएंगे। बस अब सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो हमारे एम एम आलम हैं जो हीरो हैं, लाहौर में उनके नाम से रोड भी मौजूद है और इसके अलावा फिर बाकायदा वो उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर थे तो उन्होंने तकरीबन पाँच मिनट में जो है वो 11 भारतीय जहाज जो है वो गिराए। तो अब वो जब उनसे पूछा गया कि जी आपके अंदर ये ताकत ये जज्बा कहाँ से आया था तो उन्होंने कहा जी मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये क्या करने जा रहा, लेकिन इतना जोश था इतनी उसमें बलबला था कि हमने इतनी मुख्तसर से टाइम में जो है वो जहाज उनके जो है वो गिरा दी। इसके अलावा और बहुत सारे वाकयात हैं, मसलन लोग ये कहते हैं कि जी जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 17 दिनों में लाहौर में किसी किस्म की कोई चोरी नहीं हुई। और फिर एक और बात है कि जो लोग बड़े बड़े वकीला दोस्त थे उन सब लोगों ने अपनी तमाम जो चीज़ें थी वो लोगों के लिए खोल दी कि जनाब आप आराम से यहाँ से जितना आपको सामान चाहिए जो चीज़ें चाहिए वो आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हमारी बहरी अफवाज ने भी जो है उन्होंने बड़ा रोल अहम प्ले किया। द्वारका का जो है वो बहरी अड्डा इससे बड़े कमाल तरीके से कब्जा किया, बल्कि पूरा जो है वो असलहा बहुत ज़्यादा उनके हाथ आया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और जैसे लोग ये बताते हैं कि नूर जहाँ जो है हमारी इन्होंने हर रोज़ नया तराना बल्कि दो दो तराने जो है वो एक टाइम में जो है ये बाकायदा वहाँ पे गाया करती थी और फौजियों का लहू जो है वो गरमाती थी और शायरों को ये समझ नहीं आती थी कि वो कहाँ से उनके जहन में अल्फाज आ रहे हैं, कहाँ से उनके जहन में ये चीज़ें आ रही हैं कि वो इतनी ज़्यादा जल्दी जो है वो सारे काम, और शायद अल्लाह ताला मदद कर रहा था उनकी। ये भी लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की खास इमदाद भी थी उस वक्त, लोगों को खास मदद भी थी अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये कई ऐसे वाकयात हैं जो आज भी जो है वो लोग याद करते हैं। ए पुत्र हटाते नहीं बिकते तू लभदी फिरे बाजार कोड़े, ए सौदा नकद भी नहीं मिलता तू लभदी फिरे उधार कोड़े। ये भी उस टाइम का एक नामवर गीत है जो कि मैडम नूर जहां बॉर्डर पे जाकर गाया करती थी। तो ये तराने तो जब भी सुने जाते हैं सर, ये लहू गरमाने का बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? जिस आप तराने का जिस आपने जो जिक्र किया है ये गुलाम मुस्तफा तबस्सुम ने लिखा था और वो बहुत अच्छे शायर थे उर्दू और पंजाबी के। तो उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि मैंने जब ये तराना लिखा था तो खास ये फरमाइश की थी कि ये तराना जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैडम नूर जहाँ ही गाएंगे। तो जब उन्होंने गाया तो फिर लोगों ने सुना कि उनके गाने से जो है इतना लोगों के अंदर जोश और बलबला पैदा हुआ। इसके अलावा एक और तराना था जैसे जो नसीम बेगम ने गाया था, ऐ राहे हक के शहीदों, तो वो भी एक ऐसा था कि जाग उठा है सारा वतन, ये भी बहुत अच्छा था। मतलब कितने भी आप देखेंगे उस दौर में, और खास तौर पे आपको एक याद होगा ऐ मर्दे मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया, ये वो तराना है जो आज भी आर्मी जो है वो उसको अपना थीम सॉन्ग बना के जो है वो चलाती है। तो ये वो चीजें थी जो जो लोगों को गर्म रखती थी, लोगों का लहू जो है वो गर्माती थी। डॉक्टर साहब मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि जो डिफेंस डे है वो उस टाइम तो चले हुब्बुल वतनी की जिंदा मिसाल होंगे, लेकिन आजकल की जो हमारी यूथ है वो इन्हें सिवाय डे के इवेंट के कुछ भी नहीं समझती। उनके उनके पास उनके सामने हुब्बुल वतनी बस ठीक है दिन मना लिया त्योहार सेलिब्रेट कर लिया और कुछ भी नहीं, लेकिन उनके अंदर वो हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए जैसे आप लोग ये जो आपका चैनल है इसी तरह और बहुत सारे चैनल हैं, मीडिया के थ्रू हमें उनमें अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, हमारे सिलेबस में हमारे निसाब में इन लोगों का जिक्र करना चाहिए कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की, अनटायरिंग एफर्ट्स थी उनकी। तो इस तरीके से किया जा सकता है, ख़ास तौर पर लोगों के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि नेशनलिज्म आपके अंदर बेदार होगा तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगी, आप अपने हीरोज को भी याद करेंगे और आप अपने जो फोर फादर्स हैं उनको भी कभी नहीं भूल सकेंगे। सर ये तो आपने बहुत अच्छा कहा कि हम सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आजकल दौर ही इसी चीज़ का है और सोशल मीडिया के बगैर तो कोई किसी चीज़ को हाथ लगाता भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्योंकि हमारे शो का टाइम भी ख़त्म होने को जा रहा है तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को? जी पैगाम मेरा यही है कि पाकिस्तान को अपना वतन समझें, इसी की वजह से आपका नाम है, इसी की वजह से आपकी पहचान है। मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि उन लोगों से पूछ
सोचें जिनके पास ये आज़ादी जैसी नेमत नहीं है, जिनके पास ये वतन नहीं है, वो कितनी मुश्किल में है। तो हमें अपने वतन की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी अफवाज के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, और इसके साथ साथ अपने आप को जो है वो एक अच्छा सच्चा और बेहतरीन पाकिस्तानी और पैट्रियट जो है वो हमें बनना होगा। जी तो माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, ये हमारी एक छोटी सी काविश थी उन तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर दी और हमारे बॉर्डर की हिफाजत किस तरह की जिस तरह अपनी शहर की जाती है। तो इसी पैगाम के साथ के नो डाउट आप पाकिस्तान को जैसे मर्जी सर्व करें, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा हुबुल वतनी होना चाहिए कि आपको दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, टीचर और इंसान बनना होगा। अपने अंदर जज्बा हुबुल वतनी इस तरीके से भरिए कि पाकिस्तान को कोई भी बैरूनी ताकत अटैक ना कर सके, पाकिस्तान को नेस्तो नबूद करने का वो सोच भी ना सके। इसी पैगाम के साथ फैज़ा मुगल इज साइनिंग आउट। टी अमान। थैंक यू सो मच फैज़ा, आपने बहुत अच्छी बात कही, और थैंक यू सो मच सर का भी फिर से कि वो यहाँ पर दूसरी मरतबा हमारे साथ शरीक हुए और बहुत ही अच्छी मालूमात उन्होंने बताई हमें। तो लिसनर्स, अगर आज के दिन के हवाले से आप लोगों की भी कोई मालूमात हो या कोई मैसेज हो तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने ख्यालात हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते मैं भी आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारी अफवाज हमारे मुल्क के दिफा के लिए लगी रहती हैं, तो इसी तरीके से हमें भी उनका साथ देना चाहिए और अपने मुल्क को बचाने के लिए कोशिशें करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं भी आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अक्सर ज़्यादा इस साइनिंग आउट। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।